Now. इसराइल हमास युद्ध के बीच एक तरफ ईरान ने इसराइल को दहलाया तो दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला भी इजरायली सेना के ऊपर हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हिजबुल्ला लगातार इजरायली सेना पर उत्तरी बॉर्डर से हमले कर रहा है और जब 13 अप्रैल 2024 को ईरान द्वारा इसराइल पर हमले किए गए थे तब भी हिजबुल्ला ने तेहरान का साथ दिया और अब एक बार फिर हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल 17 अप्रैल 2024 को हिजबुल्ला ने बेरानिट बैरक्स में इजरायली सेना की 51वीं डिवीजन पर बुरकान रॉकेट से हमला किया जो सीधे टारगेट पर लगा है। इसके बाद सुबह करीब 7:50 और 8:50 पर हिजबुल्ला ने दोबारा इसी जगह पर इकट्ठा हो रहे इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर दनादन गोला बारूद दाग दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने रामिया साइट के आसपास भी इजरायली सैनिकों पर गोला बारूद फायर किया है। इसके अलावा हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मेटुला साइट में घुस रहे एक इजरायली सैन्य वाहन पर भी हमला किया और इस हमले की वजह से आईडीएफ के वाहन से चालक दल या तो भाग गए या फिर मारे गए। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने कफार ब्लम सेटलमेंट में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बैटरीज पर एक बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर आयरन डोम पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्ला ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि उसने इसराइल के मेरोन एयरबेस पर भी रॉकेट और गोला बारूद से एक बड़ा अटैक किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने दो अलग अलग ऑपरेशन में किरियत शमोना बैरक और जाटोन में इजरायली सेना की 759वीं ईस्टर्न ब्रिगेड और 146वीं डिवीजन के कमांड सेंटर पर हमला किया। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने आईडीएफ के इन दोनों ही कमांड सेंटर पर कत्यूशा रॉकेट्स दागे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की मीडिया ने भी हिजबुल्ला के इन हमलों की पुष्टि कर दी है। इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में किरियत शमोना में रॉकेट हमले से हुए नुकसान की बात मानी है। इसराइली मीडिया का कहना है कि लेबनान की सीमा से सटे उत्तरी इसराइली सेटलमेंट में हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे। इसराइली मीडिया का कहना है कि लेबनान की तरफ से पश्चिमी अल जलील की तरफ हिजबुल्ला ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे थे।